The Urs of Hamid Raza Khan, also known as Hujjat-ul-Islam, is the biggest Urs observed in Bareilly. It was attended by thousands of devotees who came from different parts of the world to pay respects to the Sufi saint and seek his blessings. बहुत अकीदत है इस दरबार से हम बहुत साल से यहाँ आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आते हैं हम यहाँ अपनी मुरादें लेकर उसमें सक्सेस होते हैं और बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं और हमीद रज़ा खां की जो चर्चे हैं वो सिर्फ यहाँ नहीं बरेली शरीफ ही में नहीं और पूरी वर्ल्ड में जैसे मैं बताया आपको इंग्लैंड में भी हैं फ्रांस में भी हैं साउथ अफ्रीका में भी हैं मॉरीशस में भी हैं हामिद रज़ा खान साहब फाजले बरेलवी ने हमेशा अपनी सारी ज़िंदगी इश्क रसूल और आला हजरत के बताए रास्ते पर गुजारी उन्हीं के उर्स में सारी दुनिया से अकीदतमंद इस बार उर्स में शामिल होने के लिए आए थे इन्होंने यहाँ पर हामिद रज़ा खान साहब के मज़ार शरीफ पर गुलपोशी की चादर पोशी की और अपने लिए दुआएँ और मन्नतें की हामिद रज़ा खान was a revered Sufi saint who devoted himself to God and preached the teachings of unity, peace and harmony among the people. Khan had written and translated numerous books on a wide range of subjects. He had also translated many books of his father. One of the books he translated from Arabic to Urdu was Daulatul, Makkiya bil Madatil Ghaibiya. अपने सफ़र हज पर गए और जिसमें सिर्फ 8 घंटे में आपने बहुत बड़ी किताब लिखी थी अदौलतुल मक्किया उस अदौलतुल मक्किया का जो फाइनल प्रिंट तैयार किया था वो हज़रत हुज्जतुल इस्लाम ने ही किया था और उसका तर्जुमा भी उन्होंने ही किया था अरबी ज़बान में आपको बहुत महारत हासिल थी अरबी ज़बान जब आप बोलते थे तो अरब के रहने वाले दंग रह जाते थे कि अरे इतनी अच्छी लैंग्वेज तो हम भी अरबी नहीं बोल पाते जितनी हुज्जतुल इस्लाम जो है वो बोलते हैं Devotees from different regions touched the sacred marble, offered silent prayers at the shrine and sought blessings from the Sufi saint. हजरत मौलाना हामिद रज़ा खान साहब जिनको आलम इस्लाम में हुज्जतुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है उनका ये 3 रोज़ा उर्स शुरू हुआ था जिसमें पहले दिन ख़त्म बुखारी शरीफ कराई गई थी जो यहाँ पर देश और विदेश के तलबा तालीम हासिल करने के लिए आते हैं जिसमें आलिम मुफ्ती फाजिल कारी हाफिज ये कुल मिला के इस बार 303 लोगों की दस्तारबंदी हुई है सभी 303 तलबा की दस्तारबंदी की गई और उन लोगों को दर्श दिया गया कि जो यहाँ पर तालीम दी थी उनको वो तालीम जो है वह देश और विदेश में जाकर तमाम जलसगाह में मदरसों में मसाजिद में और जगह जगह घूमकर इसका आला हज़रत का और सुन्नियत का सूफीज़म का जो पैगाम है देश में अमन भाईचारा आपसी इत्तेहाद का पैगाम वो जन जन तक पहुँचाए रिलीजियस हार्मनी इन इंडिया इंडिकेट्स लव एंड अफेक्शन बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स अक्रॉस द कंट्री सच एफर्ट्स ऑल्सो हेल्प्स टू स्प्रेड पीस एंड ब्रदरहुड अमंग द पीपल